हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे, यानी ये जो इन्वर्टर बल्ब बोला जाता है उसको रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों देखिए, 9 वाट का एलईडी बल्ब है और ये काफ़ी पुराना एलईडी बल्ब है, पूरी तरह से देख सकते हैं डेड हो चुका है। इसका जो आगे का ये जो डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र भी मेरे पास नहीं था और देख सकते हैं एक दो एलईडी भी उखड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से और यहाँ से एलईडी भी उखड़ा हुआ है और इसको नॉर्मल लाइट देने के बाद ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी को जानेंगे कि इसमें कहाँ से फॉल्ट आया है और क्या फॉल्ट है। देखिए, हम सीरीज से इसमें जैसे ही इन करेंगे तो किसी भी प्रकार का इसमें कोई ब्लिंकिंग या फिर स्पार्किंग नहीं हो रहा है और कोई भी चीज़ इसमें नहीं आ रहा। देखिए, हम एक बार स्पार्क करने की भी कोशिश करते हैं, क्या ये स्पार्क हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट करने के बाद भी ये स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी इसमें किसी प्रकार का आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसी को रिपेयर करेंगे और जानेंगे क्यों इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए, हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसको फटाफट से रिपेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है बिल्कुल ही और देख पा रहे हैं इसका अंदर का किस तरह से मैकेनिज्म है। तो हम सबसे पहले तो बैटरी को इसमें डिस्कनेक्ट करेंगे, जो बैटरी लगा हुआ है, और देखिए बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दिए हैं और बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाद में हम बैटरी के वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम साइड में रख देते हैं बैटरी को, और इसके जो एसी टर्मिनल वाला लीड है, यानी एसी साइड से जो हमारा कनेक्शन आया हुआ है, इसको सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम इस पैनल को इसके ऊपर से खोल देते हैं ताकि पैनल जब बाहर रहेगा तभी इसका रिपेयर करने में आसानी होगा दोस्तों। तो देख पा रहे हैं, हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें कि कहाँ दिक्कत है। तो देख पा रहे हैं, पहला कारण तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि ये जो इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही कैपेसिटर यहाँ से टूट चुका है। आप लोग खुद ही पास से देख लीजिए, देखिए इसका कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल यहाँ से टूट चुका है, और ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस भी हल्का हल्का जला हुआ दिख रहा है, इधर से भी जला हुआ है। हमको यही 2-3 फॉल्ट दिख रहे हैं, बाकी तो और कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसी को नॉर्मली पहले रिपेयर करेंगे। अगर इसको रिपेयर करने के बाद ये बल्ब जो है सही हो जाता है तो ठीक है दोस्तों, और नहीं सही होता है तो फिर आगे के फॉल्ट को हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर सोल्डरिंग पेस्टर को लगा दिए हैं और इसको पहले इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। कैपेसिटर चेंज नहीं करना है, बस कैपेसिटर के टर्मिनल को इस पर सोल्ड करना है। टर्मिनल जो था प्रिंट से छूट गया था दोस्तों, जब पुराना एलईडी हो जाता है तो इसी तरह से पटकने से ये क्या होता है कि एलईडी का जो टर्मिनल छूट जाता है और फिर भी वो वर्क नहीं करता है। तो देखिए, हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो फटाफट इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जहाँ से हम जिस प्रिंट से जैसे जैसे छोड़ाएंगे उसी तरह से रेजिस्टेंस को लगाना है। और एक जानकारी मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है दोस्तों, 5 ओम से लेकर के 10 ओम के बीच इसकी वैल्यू की जो इसका रेटिंग होता है दोस्तों, यानी इतना कम ओम का ये रेजिस्टेंस होता है, किलो ओम में नहीं होता है, लगभग 5 ओम 10 ओम इससे अधिक नहीं होता है, 2 ओम 3 ओम इसी तरह से इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप वायर को शॉर्ट कर देंगे तब भी ये वर्क करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोनों रेजिस्टेंस जो है जला हुआ है, और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये दोनों रेजिस्टेंस न्यू है, इसको आज हम लोग लगाएंगे, और ये दोनों बिल्कुल ही ख़राब है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम एक साइड का जो है रेजिस्टेंस कनेक्शन कर लिए हैं, इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड का भी रेजिस्टेंस कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड का जो रेजिस्टेंस कनेक्शन करना था हमने कर लिया। देखिए, इस साइड का भी रेजिस्टेंस लगा दिया, उस साइड का भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीरीज पर एक बार चेक करते हैं लगा करके, क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए, हम इसमें सीरीज से सप्लाई देंगे, और कोई भी प्रकार का टेक्निकल वर्क कीजिए आप लोग, बहुत ही सावधानी से कीजिए। देखिए, ये वर्क करने लगा दोस्तों, ये जल रहा है, यानी ये सीरीज से बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलिए एक बार क्या करते हैं, अब इसको की बैटरी को हम लगाते हैं, ये जो लिथियम सेल है इसको एक बार लगा करके चेक करते हैं, क्या इस लिथियम सेल पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। और ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था तो ये पता नहीं चार्ज होगा कि नहीं दोस्तों। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस लिथियम सेल को भी इसके सर्किट में इन कर लेते हैं और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव को
पर विशेष ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका कनेक्शन करें। तो देखिए हम इसको इसमें कनेक्ट कर लिए हैं और ये लिथियम सेल बिल्कुल ही लग चुका है, पता नहीं चार्ज है कि नहीं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो मैं एक फॉल्ट इसमें और आ रहा है दोस्तों, लगाने के बाद ये जो MOV लगा हुआ है देख सकते हैं जला हुआ लग रहा है, यही MOV बहुत ही तेज़ हीट हो रहा है दोस्तों लगाने के बाद। तो हम फटाफट से इस MOV को भी चेंज कर लेते हैं, फिर नहीं तो मान लीजिए दोस्तों कुछ ही दिन चलेगा फिर ये ख़राब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो फटाफट हम इस MOV को चेंज कर लेते हैं। MOV का नंबर हम बता देते हैं, कौन सा नंबर लगेगा दोस्तों, 511 की इसकी वैल्यू है दोस्तों, और ये देख पा रहे हैं दोस्तों यही एक MOV है। तो हम फटाफट से इस सर्किट से इसको रिमूव करके और इसमें हम MOV को लगा लेते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको एक बार लगा करके देखते हैं AC लाइट पे, देखिए AC पर ये वर्क कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों। और हम इसको DC पर भी वर्क करा करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ से हम टच करेंगे दोनों को आपस में, देखिए DC पर भी ये वर्क कर रहा है, यानी LED बल्ब बिल्कुल ही अच्छी तरह से वर्क करने लगा दोस्तों। आप लोग एक बार लाइव प्रूफ के साथ आप लोग एक बार देख सकते हैं, देखिए हाथ को लगाने के बाद भी ये बिल्कुल ही जल रहा है, यानी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये LED बल्ब जो है बंद करके तैयार हो चुका है और ये पूरी तरह से सही हो चुका है, अब इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी प्रकार के खराब पड़े हुए LED रिचार्जेबल LED बल्ब को रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।